विदेश नीति के जो भी जानकार हैं वो विदेश से मिले हर संकेत भी पकड़ ले रहे होंगे। आज अलग अलग देशों में सत्ता और विपक्ष के दल ये खुलकर मानते हैं कि भारत के सशक्त होने से पूरी दुनिया का हित होने वाला है, ये पूरी दुनिया मानने लगी है। आज हर महाद्वीप में भारत का सम्मान, भारत की ताकत बढ़ रही है, हर देश भारत से गहरे संबंध बनाने पर जोर दे रहा है। पीएम मोदी ने यह बयान बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में दिया। इस बयान में पीएम मोदी दुनिया भर में भारत के बढ़ते असर का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल बीते कुछ वर्षों में दुनिया भर में भारत की छवि में काफी बदलाव हुआ है। इसे विशाखापत्तनम में मिलन 24 नौसैनिक अभ्यास से भी समझा जा सकता है। बता दें कि विशाखापत्तनम में आज से 27 फरवरी तक चलने वाला नौसेना अभ्यास शुरू हो गया है, जिसमें करीब 50 से अधिक देशों की नौसेनाओं के शामिल होने की संभावना है। यही नहीं, इसमें भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य भी हिस्सा लेंगे। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय नौसेना मिलन अभ्यास दो फेज में होगा, पहला हार्बर फेज और दूसरा सी फेज। हार्बर फेज 19 से 23 फरवरी तक, वही सी फेज 24 से 27 फरवरी तक आयोजित होगा। यही नहीं, इस नौसेना अभ्यास में अमेरिका, रूस, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों की नौसेनाएं भी शामिल होंगी। वहीं हाल के वर्षों में चीन ने जिस तरह से अपना प्रभाव बढ़ाया है, इसे उसका जवाब भी माना जा रहा है। दरअसल भारत लुक ईस्ट से एक ईस्ट पॉलिसी के तहत फोकस कर रहा है, जिसके बाद से लगातार मित्र देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। बता दें कि इस अभ्यास में 15 विदेशी जंगी जहाज और एक एयरक्राफ्ट भी शामिल होगा, जबकि 36 देश अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस नौसेना अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए इजराइल को भी बुलाया गया था, हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल इसमें हिस्सा नहीं ले पाएगा, जबकि कनाडा की तरफ से इस अभ्यास में डेलीगेशन आएगा। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से समुद्री लुटेरों का भी आतंक बढ़ा है। ये लुटेरे व्यापारिक जहाजों को लगातार निशाना बना रहे हैं, इस लिहाज से इंडियन नेवी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय नौसेना ने हाल के दिनों में समुद्री लुटेरों के खिलाफ कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दरअसल भारतीय नौसेना दो तरह के मुख्य ऑपरेशन कर रही है, पहला है एंटी पायरेसी और दूसरा है एंटी ड्रोन ऑपरेशन। भारतीय नौसेना के पास जिस भी जहाज से इमरजेंसी कॉल आती है, उसकी फौरन मदद की जाती है, चाहे वो किसी भी देश का क्यों न हो, उन्हें बचाने के लिए इंडियन नेवी फौरन एक्शन में आ जाती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।